are you? I am Nikash Singh. Your English teacher. Subject English. Translation चल रही है आपकी 9, 10 और 11. ठीक है? आज की हो गई आपकी क्लास है आपकी 9, 10 और 11. ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड, टॉपिक आपका ट्रांसलेशन. कल हमने आपको प्रेजेंट इंटरव्यू करा दिया था, आज पास्ट इंटरव्यू दे देंगे. ठीक है, आज क्या होगा? पास्ट टेंस. ठीक है स्टूडेंट, आज पास्ट इंटरव्यू टेंस होगा. पास्ट इंटरव्यू की पहचान क्या है? पास्ट इंटरव्यू टेंस की सेंटेंस के, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, 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 सका, सकी, सके, या, ये, ठीक है, इस टाइप के वाक्य होते हैं अंत में. चलो लिखा लेते हैं. पहचान, लगे होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अफर्मेटिव नंबर आएगा पास्ट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? देखिए हम पास्ट टेंस में जो है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा. ठीक है, बाकी सब चेंज रहेगा. इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसका एक तो एग्जांपल देख लीजिए. जैसे तुम्हारे भाइयों ने शोर मचाया, तुम्हारे Your brothers.
ये क्या होगी मेड मेड इनवॉइस योर ब्रदर्स मेड इनवॉइस यानी तुम्हारे भाइयों ने सॉन्ग बताया ठीक है क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल पास्ट इंडेफिनिट में सभी के साथ अफर्मेटिव में वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं ओके स्टूडेंट्स आज जोर से बारिश हुई थी दूसरा एग्जाम्पल देखिए आज जोर से बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है सब समझ में आ रहा है अफर्मेटिव क्लियर हो गया अफर्मेटिव में क्या होता है सब्जेक्ट इसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट यानी कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है प्लूरल नंबर का कुछ भी है सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे ओके स्टूडेंट्स अब देखिए अफर्मेटिव हो गए नंबर दो नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है स्टूडेंट्स देखिए अगर नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट में हम सिर्फ डिड का यूज करते हैं डिड और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू डज का यूज किया था लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ और ओनली डिड का यूज करेंगे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का या प्लूरल नंबर का सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नेगेटिव में सेकेंड फॉर्म आएगी ओनली अफर्मेटिव में ठीक है और क्या होगा और प्रॉब्लम और देखिए इसमें एक चेंजिंग और होगा यदि कभी नहीं आता है तो कभी नहीं के लिए नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं ओके अब देखिए इसके एग्जांपल देख लीजिए एक तो नेगेटिव है नहीं उड़ाई तो क्या होता है डिड नॉट
अब क्या है हमारा स्ट्रक्चर देखो, हमारी स्ट्रक्चर आ गई, सब्जेक्ट आ गया भारत, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो भारत ने कल पतंग नहीं उड़ाई, क्या नहीं उड़ाई पतंग, तो भारत डिड नॉट फ्लाई एफ एल वाई फर्स्ट फॉर्म, भारत डिड नॉट फ्लाई ए काइट। कब नहीं उड़ाई, कल, यानी कि भारत ने कल पतंग नहीं उड़ाई, नहीं उड़ाई ना, पास्ट में है ना, तो क्या आएगा यस्टरडे, ठीक है, तो भारत डिड नॉट फ्लाई ए काइट यस्टरडे। और प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, एक और देख लीजिए इधर, ये है तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की, तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की, तुमने मेरी सहायता कभी इंट्रोगेटिव में वाइट आ जाएगा।
वाई टाइप्स की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? सबसे पहले क्या होता है? इंट्रो वर्ड, इंट्रो वर्ड प्लस इंट्रो वर्ड हो गया और प्लस क्या हो जाएगा? इंट्रो वर्ड के बाद क्या आएगा? यानी कि उसमें क्या है? ओनली डिड करें। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉन्टेक्ट करें। ओके।